हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण पुनिया. लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी विद स्माइल ऑन आवर फेस एंड विद फ्रेश माइंड. टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. इन अर्लियर क्लासेस वी डिस्कस दैट हाउ टू रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन. एंड नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. रैशनल नंबर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जैसे आप अगर आपकी जो नंबर लाइन होती है उस पर क्या होता है, जो मिड पॉइंट होता है वो जीरो होता है. जीरो के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं एंड राइट में पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं. तो आपके होल नंबर को शो करना हो, किसी को करना हो, आप डायरेक्ट क्या कर देते थे, जैसे अगर जीरो को रिप्रेजेंट करना है तो ये जीरो रहेगा. राइट साइड में सब में वन वन यूनिट का डिस्टेंस होता है, वन को रिप्रेजेंट करना होगा तो ये रहेगा. थ्री को करना है तो ये थ्री है. माइनस वालों को करना है तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे जीरो के. एंड प्लस वाले नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप राइट साइड में जाएंगे. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट 1/4 ऑन द नंबर लाइन. 1/4 आपका क्या है, रैशनल नंबर है. 1/4 को आपको कहाँ शो करना है, नंबर लाइन पे शो करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे ये नंबर किस किस नंबर के बीच में आएगा. ठीक है, अब देखिए 1/4 है, नंबर कैसा है, पॉजिटिव. पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में आएगा, लेकिन आपका नीचे वाला नंबर बड़ा है और ऊपर वाला नंबर छोटा है. तो इससे पता चलता है कि ये नंबर आपका वन से छोटा होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या है, बड़ा. और आप बड़े नंबर को छोटे से डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा, वन से छोटा आंसर. और पॉजिटिव है तो जीरो के राइट साइड में आएगा और वन से छोटा रहेगा. तो ये नंबर किस किस के बीच में आएगा, जीरो और वन के बीच में आएगा. अब आप देखेंगे जो नीचे नंबर है, ठीक है, जिन दो नंबर के बीच में आया आपने उन दो नंबर को जूम कर लिया. ठीक है, अब जीरो और वन के बीच में आया आपको पता चल गया. अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? आप इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिनोमिनेटर देखेंगे. डिनोमिनेटर है यहाँ पे फोर. तो जिन दो नंबर के बीच में आ रहे हैं उसके उतने ही पार्ट कर लेंगे जो डिनोमिनेटर है. जैसे फोर डिनोमिनेटर है आपका, तो आप फोर इस जीरो और वन के फोर इक्वल पार्ट करेंगे. वन टू थ्री एंड फोर, फोर पार्ट्स हो गए. तो जीरो के बाद जो फर्स्ट पार्ट होगा वो होगा फ्रैक्शन. आप कैसे लिखते हैं, टोटल पार्ट्स हैं फोर. ठीक है, जीरो से आपने स्टार्ट किया, ये पार्ट लिया, टोटल फोर थे, फोर में से एक पार्ट ले लिया आपने, तो फर्स्ट पार्ट क्या आएगा, 1/4. नीचे आएगा टोटल जितने पार्ट्स के, उसके बाद अगर फर्स्ट पार्ट ले लिए तो 1/4. अब यहाँ पे आपने सेकेंड पार्ट किया, टोटल थे फोर और फोर में से टू पार्ट्स ले लिए तो क्या आ गया, 2/4. फिर 3/4 और लास्ट क्या आएगा, 4/4. 4/4 का मतलब क्या है, आपके पास 1. ठीक है, तो आपको उतने ही पार्ट करने हैं इसके जितना आपका नीचे डिनोमिनेटर होगा. तो आपको रिप्रेजेंट किसको करना था, 1/4 को. 1/4 तो ये है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी रिप्रेजेंटेशन 1/4 की. बिल्कुल सिंपल है. पहले तो आप ये देखेंगे पॉजिटिव है कि नेगेटिव. पॉजिटिव है तो जीरो की राइट साइड में आएगा. फिर ये देखेंगे ये नंबर किससे छोटा है. अब देखिए डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा, तो नंबर वन से छोटा आएगा. अगर ऊपर बड़ा होता तो वन से बड़ा आ जाता, फिर आप डिवाइड करके देख लेते कि कितना बड़ा आएगा. ठीक है, अब आपको पता चल गया जीरो से बड़ा आएगा और वन से छोटा आएगा. तो जीरो और वन के आपने पार्ट के जो आपका डिनोमिनेटर था उतने, फोर डिनोमिनेटर था तो फोर इक्वल पार्ट्स कर लिए जीरो और वन के. फर्स्ट पार्ट को लिखने का तरीका क्या होगा, नीचे आएंगे जो टोटल पार्ट्स के, फोर डिवाइडेड ऊपर क्या आएगा आपका, फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं तो वन, सेकंड ले रहे हैं तो टू, थर्ड ले रहे हैं तो थ्री. ठीक है, और फोर्थ ले रहे हैं तो 4/4 क्या मतलब हो गया, वन. ठीक है, अगर 3/4 को रिप्रेजेंट करना होता तो ये आ जाता, 2/4 को करना होता तो ये आ जाता. नेक्स्ट आपका है यू हैव टू रिप्रेजेंट 4/9 ऑन द नंबर लाइन. 4/9 को रिप्रेजेंट करना है. 4/9 कैसा है, पॉजिटिव, तो जीरो के राइट में आएगा. अब 9 बड़ा, 4 छोटा, तो नंबर किससे छोटा आएगा, 1 से छोटा, क्योंकि नीचे अगर बड़ा नंबर हो ऊपर छोटा हो तो हमेशा नंबर 1 से छोटा आएगा. तो किस किस के बीच में आएगा, ये 0 एंड 1 के बीच में. अब आपको इस 0 और 1 के कितने पार्ट करने पड़ेंगे, जितना डिनोमिनेटर है 9 पार्ट करने पड़ेंगे 0 और 1 के. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 पार्ट कर लिए.
जो फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, 1/9, सेकेंड 2/9, 3/9, 4/9, 5/9, 6/9, 7/9, 8/9 और 9/9, 9 से 9 कैंसिल 1, ठीक है। अब आपको किसको रिप्रेजेंट करना था, 4/9 को, ये है 4/9, तो ये क्या हो जाएगा आपकी रिप्रेजेंटेशन 4/9 की। नेक्स्ट है आपका, आपको -5/4 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। माइनस है, नेगेटिव नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, राइट साइड में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, जीरो के लेफ्ट में आएगा। -5/4 है, ठीक है, -5/4 है, तो ऊपर क्या है आपका, ऊपर नंबर क्या है आपका 5, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, आंसर क्या आएगा, -1 के लेफ्ट में ही आएगा, क्योंकि आप राइट में जाते हैं बड़े नंबर आते जाते हैं, और लेफ्ट में जैसे -1 बड़ा, -2 छोटा, -3 उससे छोटा, यही होता है ना। आप क्या बोलते हैं, जीरो के जितने पास आएंगे उतना ही बड़ा नंबर होगा, चाहे आप कौन सी साइड से भी जाइए, यहां से आएंगे जीरो के जितना पास आएंगे, लेफ्ट साइड से चलेंगे तो जीरो के पास आएंगे उतना बड़ा नंबर, और राइट साइड में जाएंगे तो जीरो से जितना दूर जाएंगे उतना बड़ा नंबर। तो आपका -5/4 -1 से इस लेफ्ट में ही आएगा, तो आपका नंबर किस किस के बीच में आ गया, -1 और -2 के बीच में आ गया, ठीक है। क्योंकि देखिए आप डिवाइड भी करेंगे तो क्या आएगा, 4 1 4, 4 2 8, 2 4 5 20, -1.25 किस किस के बीच में आएगा, -1 और -2 के बीच में आएगा। तो ये आपका -1 हो गया जीरो के लेफ्ट में, -2। अब आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या है आपका 4, नीचे है 4, तो नीचे जो 4 है आपको -1 और -2 के 4 पार्ट्स क्या करने हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं। यहाँ कर लेते हैं हम, ये है 0, ये है -1, ये है -2। अब हमें इसके 4 पार्ट्स करने, और -1 देखिए 4 पार्ट्स करने, तो -1 किसके इक्वल होगा, -4/4 के इक्वल होगा, क्योंकि आप 0 से 1 पे जाते थे, आप इसके 4 पार्ट करते थे, तो ये 1 किसके इक्वल आता था 4/4, तो -1 किसके इक्वल रहेगा, जितने डिनोमिनेटर में जो आएगा उसके ऊपर सेम नंबर। अगर यहाँ -2 होता तो क्या आ जाता, -8/4, और ये क्या रहेगा आपका -4/4 है, 4 पार्ट करने है, नेक्स्ट क्या आएगा -5/4, नेक्स्ट क्या आएगा -6/4, नेक्स्ट क्या आएगा -7/4, और नेक्स्ट क्या आएगा -8/4, और उसका मतलब क्या होगा -2। तो डिनोमिनेटर तो आपको जितने पार्ट करनी है वो तो लिखेंगे नीचे, ऊपर आएगा आपका अगर 1 है, क्योंकि जीरो का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना ना, आप 0/4 करते तो जीरो ही आंसर आता, इसलिए हम जीरो को किसी के इक्वल नहीं लिख रहे थे, इसलिए नेक्स्ट पार्ट को सीधा 1/4, 1/5 ऐसे लिख रहे थे। अब यहाँ पे 4 है और 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 किसके इक्वल होगा, 4 -4/4 के इक्वल होगा -1। तो नेक्स्ट आया -5/4, -5/4 को ही रिप्रेजेंट करना था, तो ये क्या आ जाएगा आपका -5/4। ओके, थैंक यू क्लास।